चलिए जम्मू जोश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हरफन मौला प्रोफेसर फैजल मुश्ताक किचलू सर काफ़ी हरफन मौला है, काफ़ी तेज़ हैं, काफ़ी एक्टिव है, हर समय इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा किश्तवाड़ में जो है देखने को मिलती हैं। और आज भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक कैंपेन है, अवेयरनेस जो कैंप है, ये चला रहे हैं GDC किश्तवाड़ में। चलिए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या कहना है इनका। सर क्या कहेंगे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर? जी बेसिकली आज हमारे यहाँ पर डिबेट कम्पिटिशन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, एक बहुत ही अच्छा कम्पिटिशन रहा। ADC किश्तवाड़ श्री पवन परिहार जी ने इसको इनॉग्रेट भी किया था, तो लगभग हमारा जो ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल था पूरा पैक्ड था, लगभग 150 बच्चा ऊपर बैठा था सुनने के लिए। हमारे 30 स्पीकर्स ने जो है अपने ख्यालात का इजहार किया, इसमें जो जजेस भी थे हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ कॉलेज के हैं, उन्होंने 5 जो है टॉप पोजीशन होल्डर्स को हमने उनका नाम भी अनाउंस किया। लेकिन इसका जो मेन मुद्दा और मकसद यही है कि आम पब्लिक तक इस बात को पहुँचाया जाए कि बेटियों के साथ जो जुल्म व सितम, चाहे वो माँ के पेट के अंदर या उसका इस दुनिया में आने के बाद जो उस बेचारी के साथ हाल होता है, वो न हो और वही इज्जत और वही उसी तरह से उसको वो पोजीशन मिले जो बेटों को मिलती है। यही एक आज अवेयरनेस कैंपेन था। कल संडे को भी हमने प्रोग्राम रखा है, 30 मार्च तक NSS यूनिट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ का लगातार हर दिन इस अवेयरनेस जो है प्रोग्राम में हिस्सा लेता रहेगा। हमारा पूरा जो टारगेट हमने प्लान करके रखा है, हमें कहाँ कहाँ जाना है, किन किन एरियाज़ में हमने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है हमें लोगों तक पहुंचाना है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपके सामने NSS वॉलंटियर्स पूरे जोश के साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हैं। कल हमारा 11 बजे का प्रोग्राम जो है यहाँ पंडित गांव में भी है। इस बात को हम बार बार बोलेंगे कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। कितना बदलाव देखने को मिला जी? अगर बदलाव अगर कॉलेज से ही हमारा शुरू हो जाए, जो कि हमारा पढ़ा लिखा तबका है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी पॉपुलेशन या जो हमारा जो टारगेट बेसिकली जो है वो कॉलेज का स्टूडेंट है और कॉलेज का स्टाफ है और कॉलेज का नानटी, हमारे यहीं पर 1000 बच्चियाँ हैं, हमें तो बाहर जाने की ज़रूरत उतनी है भी नहीं, लेकिन हम फिर भी इस प्रोग्राम को बाहर लेके जाएंगे, सिटी के एक एक जो है कोने तक हम इसको 30 मार्च तक पहुंचाने वाले हैं। और मेरी मीडिया से बहुत जो है जो रिक्वेस्ट है कि वो हमारा साथ दे इस कैंपेन को आगे ले जाने में। आप देखेंगे आने वाले दिनों में अभी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स NSS जो है डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये आप हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी उनके ख्यालात आप जो है उनके आइडियाज़ जो है ले सकते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बेटियों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? Myself स्वाति राणा, also I am volunteer। तो मैं ये चाहती हूँ कि बेटियों को पढ़ाया जाए, उनको पूरी एजुकेशन दी जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डाउरी सिस्टम खत्म हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहिणी शर्मा है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो आती नहीं है यहाँ पे, हमारे साथ जुड़ती नहीं है, और सबको जुड़ना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, लड़की को पूरा हक देना चाहिए जो लड़के को मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काजल है, और मेरा इस बारे में ये ख्याल आता है कि हमें सबसे पहले जो है हमारे घरों से ही, जो ये होता है कि हमारी फैमिलीज अगर लड़कियां होती है उनको मार दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी और हम ही सब लड़कियों को लड़कों को सबको मिल के इस बारे में जो है बात करनी चाहिए। थैंक यू जी। मेरा नाम निकिता है, और मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी जो लड़कियाँ हैं वो हमारे इस वर्ल्ड के लिए गॉड का एक प्रीशियस गिफ्ट है, और हमें उनको भी इक्वल राइट्स देने चाहिए जैसे हम बॉयज़ को देते हैं, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए, और उन्हें हर फील्ड में अच्छे तरीके से मतलब एजुकेशन उन्हें देनी चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ बेटियों से भी बात की, और मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के GDC में जो अवेयरनेस का कैंप हो रहा है, इसकी जो अवेयरनेस है किश्तवाड़ के हर एक कोने में पहुँचे, शहर के साथ साथ यहाँ के फार फ्लंग एरियाज़ में भी ये बात पहुँचे, ताकि लोग जो हैं इससे अवेयर हों। मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक इंसानियत की चीज़ है। एक इंसान ही एक इंसान का गला घोंटता है, एक बेटी को जो आने से पहले ही मार दिया जाता है, इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के वाक़यात होते हैं, लेकिन हमें इंसानियत के नाम पे जो है इस चीज़ को रोक देनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक माँ से हैं, हमारी माँ भी कभी एक बेटी थी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शीतल शर्मा, जम्मू जोश।